जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रेलवे आरआरबी की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। तो ये दोस्तों यहां पे बात करते हैं अप्लीकेशन डेट के बारे में। तो आपका अप्लीकेशन डेट है 30/7/2024 से लेकर आपका लास्ट डेट है यहां पे 29/8/2024 तक। यहाँ अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये रखा गया है और SC ST से बिलोंग करते हैं आप तो आपके लिए 250 रुपये रखा गया है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपका 250 रुपये रखा गया है। आप फीमेल है तो किसी भी कैटेगरी से है तो आपका 250 फी लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आफ्टर पेपर द स्टेज वन, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका जनरल OBC EWS होंगे तो आपका पैसा रिफंड चला जाएगा अकाउंट में 400 रुपया, और ST SC फीमेल है तो आपका 250 रुपये रिफंड जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम तक 36 तक। आप 18 से 36 के बीच में हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर रखा है टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जूनियर इंजीनियर में आपका 79 से 34 पोस्ट है और आपका यहाँ पर केमिकल सुपरवाइज़र में आपका 17 पोस्ट टोटल रखा गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जोन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग वाइज जोन है, जैसे कि RRB अहमदाबाद आपका यूवर का इसमें सीट है 149, OBC का इसमें है 107, EWS का है इसमें 49, SC का आसपास 53 है और ST का आपका 24 है। RRB अहमदाबाद में टोटल आपका 382 सीट है। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये अलग अलग वाइज जोन है। यहाँ पर जैसे बात करते हैं गोरखपुर में आपका 108 है जनरल का और EWS का आपका जैसे कि 55 सीट रखा गया है यहाँ पर, और आपका यहाँ पे 25 सीट रखा गया है EWS का, और यहाँ पे 46 सीट रखा गया है SC का, और ST का यहाँ पे 25 सीट रखा गया है। टोटल आपका गोरखपुर में 259 सीट रखा गया है। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं अलग वाइज जोन वाइज है, आपको जहाँ मर्जी करें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका डिग्री यहाँ पर रखा गया है डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियर फ्रॉम एनी रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इन इंडिया। आप इंडिया में कहीं से डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।